धार की मनावर थाना पुलिस ने दो गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 22 किलो गांजा और एक मोटरसाइकिल बरामद की। जब्त गांजे की कीमत करीब 3 लाख बताई जा रही है। मनावर एसडीओपी धीरज बब्बर ने बताया कि पुलिस को मुखबिर से गांजा तस्करी की सूचना मिली थी और इसी सूचना के आधार पर पुलिस ने सोन गांव और पीपली गांव के बीच नाकाबंदी कर इन आरोपियों को घर दबोचा। मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि सोन गांव फाटे पे ग्राम पीपली में एक मोटरसाइकिल में दो व्यक्ति आ रहे हैं और इनके पास में जो है गांजा है, और इस सूचना पर तत्काल जो है पुलिस के द्वारा टीम गठित की गई, जिसमें चौकी प्रभारी नारायण कटारा सिंगाना, राहुल चौहान बाकानेर, राजू बघेल और बाकी जो है कर्मचारियों के द्वारा इसमें मौके पे दबिश दी गई। दबिश के दौरान जो मोटरसाइकिल वाले हैं इनके पास कब्जे से 22 किलो गांजा जो है हम लोग द्वारा विधिवत जब्त किया गया है, और उसमें एक मोटरसाइकिल भी पुलिस के द्वारा जब्त की गई है। इसमें एक आरोपी मुकेश मंडलो, ये इसके खिलाफ थाना बाग में भी लूट का जो है अपराध कायम और विभिन्न थानों में चोरी के अपराध